हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, हम फिर से वापस से उपस्थित हैं आपके सामने सॉल्यूशन का अगला पार्ट लेकर के। जैसे आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था। राउल्ट्स लॉ का सिर्फ हेडिंग दिया था, राउल्ट्स लॉ राउल्ट्स लॉ, ये हम लोगों ने। और इसमें हमने कहा था कि दो तरह का सॉल्यूट के आधार पर हमने अलग अलग सिस्टम में डिवाइड किया था इसको। तो पहला था राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सिस्टम, लिक्विड सिस्टम के बारे में। मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, लिक्विड है। और लिक्विड होगा तो वो वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल कहने का मतलब है कि वैसा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो जिसका भाप बन सके, जिसका वेपर बन सके। तो उसकी बात करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये दो तरह का है। इसमें हमने सॉलिड एज ए सॉल्यूट लिया है, सॉलिड एज ए सॉल्यूट, और लिक्विड क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट। सॉलिड यूजुअली क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक ना। मतलब इससे वेपर हमें नहीं मिलेगा, इसके जरिए वेपर हमें नहीं मिलेगा, वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा। और यहाँ देखा जाए तो लिक्विड और लिक्विड, ये सॉल्यूट है हमारा और ये सॉल्वेंट है, दोनों वोलाटाइल है। दोनों के उपस्थिति की वजह से, वोलाटाइल नेचर होने की वजह से क्या मिलेगा हमें, वेपर मिलेगा और वेपर प्रेशर दोनों का सम होगा। तो यही चले करके हम पढ़ते हैं। तो इसको हेडिंग दे, इसको यहाँ से मिटाते हैं और एक एक करके हम लोग अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़े। तो फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। कहने का मतलब मेरा, यहाँ पे यहाँ देखा जाए तो ये जो लिक्विड है ये हमारा सॉल्यूट हुआ करता है, सॉल्यूट है, और ये लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्यूट कैसा है, तो वोलाटाइल है। वोलाटाइल कहने का मतलब जिसका वेपर बन सके। सॉल्वेंट भी हमारा कैसा है, ये भी वोलाटाइल है, दोनों के दोनों वोलाटाइल है। बाइनरी सॉल्यूशन है हमारा जिसमें दो कंपोनेंट है, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड है ना, एक ही फेज के हैं। और ये दोनों क्या है, वोलाटाइल है, दोनों के जरिए हमें वेपर मिलेगा। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, अगर हम उसकी बात करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ से एक लाइन पहले कि इन 1886 ए फ्रेंच केमिस्ट फ्रेंकोसिस, इसका नाम लिख रहे हैं राउल्ट का, फ्रेंकोसिस मार्टी राउल्ट गेव ए लॉ रिगार्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो। तो क्या उन्होंने लॉ दिया था 1886 में, इनका पूरा नाम क्या है, फ्रेंकोसिस, फ्रेंच केमिस्ट है ये, फ्रेंकोसिस मार्टी राउल्ट। इन्होंने एक लॉ दिया किसके रिगार्डिंग, बाइनरी सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, किसके बारे में, तो वेपर प्रेशर के बारे में। तो ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार हम बात करें आपसे, तो ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, और उसी का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ करता है। तो हम बात करेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल
कंपोनेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ऑफ द कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड मल्टीप्लीकेशन, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये स्टेटमेंट है राउल्ट्स का, क्या है जरा इसको समझें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, सॉल्यूशन के अंदर जो वोलाटाइल कंपोनेंट है, किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एंड प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये राउल्ट का स्टेटमेंट था, उन्होंने जो लॉ दिया उसका ये स्टेटमेंट था। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के जरिए और इसके फार्मूला पे आते हैं। इसको मिटाएं, डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएं और फिर इसी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। देखा जाए ये एक सॉल्यूशन का कंपोनेंट, इसमें मान लेते हैं ये सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है जो ए है, एक कंपोनेंट है। इसमें जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को हम चलिए एक्स ए मान लेते हैं, इस एक ए कंपोनेंट का है ना, इसका मोल फ्रैक्शन ए है और इसका प्योर स्टेट अभी इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, तो इसका जो वेपर स्टेट होगा वो हमारा पी नॉट ए है, पी नॉट ए है, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूशन का हम लेते हैं, समझेंगे बातों को गौर से समझेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दूसरा जो हमारा कंपोनेंट हमारा इस सॉल्यूशन का बी है और इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है इस बी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर वो एक्स बी है और इसी का फिर जो अभी तो ये प्योर है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी, इस दोनों को मिला के एक हमने बाइनरी सॉल्यूशन तैयार किया, दोनों को मिला के एक बाइनरी सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें हम बात करें इस बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर। अब जो ये हमारा सॉल्यूशन है और इसमें दो कंपोनेंट है, ए और बी दोनों है, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों है, ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो चलिए हम इस सॉल्यूशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा, हम इसकी बात करेंगे कि ये दोनों क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और इसमें इसका कुछ ना कुछ मोल भी होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर मोल ऑफ ए हमने लिख दिया कि इसमें चलिए ए में मोल है, इसमें भी बी का कुछ ना कुछ मोल होगा है ना, और यहाँ पे भी मोल होगा ए और बी का। तो यही बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें पहले बात को कि एक्स ए क्या है हमारा। तो एक्स ए है मोल फ्रैक्शन, एक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को एक्स ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द प्योर स्टेट है। ये प्योर स्टेट क्यों, क्योंकि अभी इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। एक्स बी की बात करें तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द प्योर स्टेट, इन द प्योर स्टेट। सॉल्यूशन में भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्योर स्टेट में यदि एक्स ए मोल है तो सॉल्यूशन के अंदर भी क्या होगा, एक्स ए मोल ही रहेगा है ना, प्योर स्टेट, या आप यहाँ पे
सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे पास। चलिए पी नॉट ए की बात करें तो ये क्या है, ये है हमारा वेपर प्रेशर, ये क्या है वी पी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट। ये प्योर स्टेट का है, ये क्या है जिस वक्त इसमें कुछ शुद्ध है, ये कुछ मिला हुआ नहीं है, तब उस वक्त जो प्रेशर लगता है वेपर प्रेशर वो पी नॉट ए से नोट किया हमने। पी नॉट बी की बात करें तो ये वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है, किसमें प्योर स्टेट में, ये क्या है प्योर स्टेट में। और भी हम आगे चर्चा करें तो एन ए हमारा क्या है, ये है मोल ऑफ कंपोनेंट, मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द है ना सॉल्यूशन कह ले प्योर स्टेट कह ले, बात एक ही है सॉल्यूशन ही बोल देते हैं। ठीक है एन बी की बात करें ये क्या है, ये मोल ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। तो ये लिटरली मीनिंग हुआ एक्स ए पी नॉट ए एन ए, एक्स बी पी नॉट बी और एन बी, ठीक ना। और पी ए पी पी डैश और पी बी की बात करें हम यहाँ पे, तो ये जो पी डैश ए है ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ए कंपोनेंट के जरिए जो वेपर प्रेशर लगेगा। पी डैश बी है ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ है ना ऑफ ए है इन सॉल्यूशन, और यहाँ पे ऑफ बी है इन द सॉल्यूशन। चलिए तो सबका मीनिंग हम लोग समझ गए, इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं, फिर आगे हम इसको आगे लिखते हैं उसी लॉ के अनुसार लिखेंगे। इसको लिख लीजिए, मिटाएंगे इसको, लिखिए। लिख लिया आपने, मिटाए इसको, चलिए आगे बढ़ें। अब हमारा राउल्ट्स लॉ जो था वो क्या कहता है, तो वो कहता है राउल्ट्स लॉ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाइड विद द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, यही कहता है। तो इसको एक सीधा सा लिखें हम कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अनुसार पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए कंपोनेंट का, तो क्या क्या होगा, ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफिनेशन से मोल फ्रैक्शन, इसका स्टेटमेंट से हम बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। चलिए तो ये हमारा स्टेटमेंट था राउल्ट का। अब इसके अनुसार इसको हम क्या लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम लिखा था पी डैश ए, और ये क्या होगा एक्स ऑफ ए इंटू ये क्या होगा पी नॉट ऑफ ए। तो ये हमारा एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मिल गया। सिमिलरली है ना, या फिर इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर ले हम, जैसा कि आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल ऑफ ए बटे टोटल मोल, दोनों दो कंपोनेंट है तो दोनों का मोल एन ए और एन बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ए के जगह वो उसको लिख सकते हैं एन ऑफ ए बटे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी ऊपर मोल ऑफ ए, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, तो हमारा पी डैश फार्मूला ये भी हो सकता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ें हम, ठीक इसी तरीके से बी कंपोनेंट के लिए लिखें। सिमिलरली हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ
बी पी नॉट ऑफ बी लिख सकते हैं यहाँ से, और फिर एक्स भी क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या लिख सकते हैं, तो एक्स भी क्या होगा ऊपर में, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करेंगे तो बी का क्या देंगे मोल ऊपर में, और डिवाइड करेंगे टोटल मोल से एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ इसको भी पुट कर सकते हैं हम, इस बात को भी यहाँ से देखा जाए तो इसके जगह क्या लिखेंगे एन बी बचे एन ए प्लस एन बी और इंटू पार्शियल इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। तो हमारा एक ये भी फार्मूला बन के सामने आ रहा है, ये फार्मूला भी सामने आ रहा है, तो इस दोनों फार्मूला को हम लर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके अगले भाग पे आते हैं। लिख लिया इसको, समझ में आ रही है बातें, मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो एक कांस्टेंट है ना, ऐसे पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है उसका वैल्यू आपको वो क्वेश्चन में ज़रूर देगा। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि नाउ, अब सिंस चूँकि वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इज कांस्टेंट एट, ये सिर्फ टेम्परेचर पे वनली एंड ओनली टेम्परेचर पर निर्भर करता है, एट कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को यदि हम कांस्टेंट करेंगे तो वैल्यू ऑफ ये और ये कांस्टेंट होगा, जैसा कि हमारे पास जो अभी यहाँ पे आया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए, फिर फार्मूला निकल के आया था पी डैश ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। ज़रा गौर करें कि ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि पार्शियल, यदि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए और पी बी, पी नॉट बी और पी नॉट ए कांस्टेंट है, तो जितना ज़्यादा उस सॉल्यूशन के अंदर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा हमें, पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट को का मिलेगा अलग अलग। ठीक ना, जितना ज़्यादा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा हमें इसका, इसके जरिए पार्शियल प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। सिमिलरली यदि मोल फ्रैक्शन बी का ज़्यादा है तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट भी क्या होगा बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा मिलेगा। ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ से इसी को, यदि हम स्टेटमेंट में लिखें डैट इज़ यहाँ से लिखें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम चीज़ों को ईजिली लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डाल्टन्स लॉ यहाँ से फिनिश होता है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्शियल प्रेशर पे, नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए नोट कर लिया इसको, मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था हमारा कौन सा, राउल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं एक दूसरा लॉ है, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, वो है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है तो उसकी बात करें, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल, है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर कहें, डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, या इसको आप पी टोटल भी कह सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या कहता है, सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है कि देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर, ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट इसके अंदर है, ए और बी है। इस सॉल्यूशन के अंदर बाइनरी मतलब ए है और बी है, बाइनरी सॉल्यूशन है, ए बी दो कंपोनेंट है। तो यहाँ इसके जरिए इस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर किसका होगा, ए का भी होगा, यदि दोनों वोलाटाइल है, तो लिक्विड लिक्विड सिस्टम की बात हो रही है, तो दोनों क्या है, वोलाटाइल है, तो ये भी वेपर बनाएगा, ये भी अपना वेपर बनाएगा, ये भी अपना पार्शियल प्रेशर देगा, ये भी अपना पार्शियल प्रेशर देगा। तो इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा, है ना, इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा, पी टोटल की बात किया जाए, वो क्या होगा, वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यदि एक दो से ज़्यादा कंपोनेंट होता तो हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, है ना, हम शो ऑन लिखते इस तरीके से। तो यही हमारा डाल्टन्स लॉ कहता है, समझ में आ रही बात। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जितने दो कंपोनेंट है, या उससे ज़्यादा कोई सॉल्यूशन के अंदर दो से अधिक कंपोनेंट है, तो सबके जरिए, यदि सबके सब वहाँ पे जो कंपोनेंट है वो वोलाटाइल है, तो सबके जरिए जो वेपर प्रेशर मिल रहा है वो सम सम होता है टोटल वेपर प्रेशर के। ये जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सम ऑफ, है ना, ईच कंपोनेंट, है ना, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट है तो कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे एक ज़्यादा होगा तो जितने सारे कंपोनेंट हो गए वोलाटाइल, सबके पार्शियल प्रेशर को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक ना। तो इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं कि यहाँ पे डाल्टन साहब ने क्या कहा, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, इजी लैंग्वेज में लिखें कि टोटल वेपर प्रेशर, पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इन अ कंटेनर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पार्शियल वेपर प्रेशर। समझ में आ रही बात, पार्शियल वेपर प्रेशर, जितने सारे सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, सबका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, हमारा टोटल वेपर प्रेशर, क्या होगा वो, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पार्शियल वेपर प्रेशर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन का, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर ही देख लिया जाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P टोटल इज इक्वल टू पी डैश ऑफ ए प्लस पी डैश ऑफ बी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यदि इसका वैल्यू हम पुट कर दें, तो क्या मिलेगा हमें, आपको याद है एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए हुआ करता था, थोड़ी देर पहले राउल्स लॉ में हमने लिखा था, है ना, और पी बी के लिए क्या लिखेंगे, पी नॉट ऑफ एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी, एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है ये मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो वन होता है ना, आपको याद है एक्स ए प्लस एक्स बी, जब हम मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो वन लिखा था, यहाँ से एक्स ए करें तो वो क्या होगा, वन माइनस ऑफ एक्स ऑफ बी, है ना, उधर जाएगा तो वन माइनस एक्स ऑफ बी, या एक्स बी इक्वल टू वन माइनस एक्स ऑफ ए, ठीक है। यदि इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो क्या मिलेगा, एक्चुअली ये हमारा जो था वो राउल्स लॉ हो गया, है ना, यही राउल्स लॉ है, ये राउल्स लॉ, सॉरी डाल्टन्स लॉ, ये डाल्टन्स लॉ है।
अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लोर करते हैं इस फॉर्मूला को। तो देखिए कैसे एक्सप्लोर करेंगे, ये एक्स से जो है 1 माइनस एक्स पी का वैल्यू यदि यहाँ पे हम पुट कर दें तो क्या मिलने वाला हमें, तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स पी लिख सकते हैं इंटू पी नॉट ऑफ ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। थोड़ा और आगे बढ़ें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये से मल्टीप्लाई करेंगे पी नॉट ऑफ ए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बी इंटू पी नॉट ऑफ ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। अब ज़रा यहाँ से इसको हम थोड़ा सा एक लाइन और लिखना चाहते हैं, तो यहाँ क्या है एक्स बी पी नॉट ए है, यहाँ एक्स बी पी नॉट बी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी नॉट ए प्लस प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे पी नॉट बी और ये माइनस में है ये, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू दोनों में कॉमन क्या है हमारा एक्स बी। ठीक है, समझ में आई बात, ये तो पी नॉट ए है, अब इस पार्ट को इधर ले गए, इस पार्ट को इधर लाए तो ये तो प्लस में है तो पी नॉट बी प्लस और ये माइनस में है तो यहाँ पे देखा जाए तो पी नॉट ए लिख दिया यहाँ पे पी नॉट ए और ये दोनों में है तो इसको कॉमन लेके इधर लिख दिया। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमारा ये एक फार्मूला हो गया, यहाँ पे ग्राफ भी बन सकता है ना, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आगे हम वाई इजिकल टू हम बात करें तो ये m हो गया, ये x हो गया, ये c इंटरसेप्ट हो गया, तो यहाँ से जो कर्व आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन का आएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है यहाँ से हम आगे बात करेंगे स्ट्रेट लाइन का कर्व होगा। ठीक है, यहाँ से यदि हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये पी बी पी बी के लिए हम आइडियल सॉल्यूशन में इसी को बात करेंगे, y इसको मानेंगे, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर होगा तो y इजिकल टू ये हमारा पार्ट जो होगा m होगा, है ना, m का मतलब स्लोप टेन थीटा, आप जानते हैं ना फिजिक्स में पढ़ते होंगे मैथ में पढ़ते होंगे, तो ये क्या है ये m होगा m और ये x है इधर x और प्लस ये इंटरसेप्ट हमारा c होगा, ये y इजिकल टू एम एक्स प्लस स्ट्रेट लाइन का ये कर्व भी यहाँ से आ सकता है, हम यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे आइडियल सॉल्यूशन में, जब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर तो वहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशन के साथ में। तो चलिए इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको, नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़े हैं यहाँ पे हम, नेक्स्ट जो आता है आते हैं हम लोग। अच्छा, इसका सबका मीनिंग तो आता ही है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक ना। अब हम आते हैं राउल्ट्स लॉ, लिक्विड लिक्विड सिस्टम मेरा हो गया, अब राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम उसको देखते हैं और उसको किस तरीके से हम एक्सप्लोर करेंगे जरा उसकी भी बात किया जाएगा। दूसरा हमारा जो पार्ट है इसमें राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, सॉलिड लिक्विड सिस्टम की बात हो रही है, कहने का मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है यहाँ पे जो ये, अच्छा ये जो है सॉलिड हमारा सॉल्यूट है यहाँ पे, इसको हम सॉल्यूट मानते हैं, सॉल्यूट और लिक्विड क्या है सॉल्वेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं सॉलिड यूजुअली क्या होता है नॉन वोलाटाइल होता है, इसका वेपर नहीं बनता, यूजुअली हम बोल रहे हैं, है ना, तो बहुत ऐसा भी सॉलिड है जिसका वेपर बनता है, ठीक ना, तो हम यूजुअली बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा नॉन वोलाटाइल, इसका मतलब ये हमारा वेपर नहीं बनाएगा, भाप नहीं बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी इसके जरिए नहीं बनेगा। और यहाँ देखें सॉल्वेंट हमारा क्या है वोलाटाइल है, यस ये वोलाटाइल है, तो क्या करेगा ये हमें वेपर प्रेशर देगा, ये हमें वेपर प्रेशर देगा, है ना। तो चलिए एक हम ड्रॉ करें एक छोटा सा सॉल्यूशन को बनाएं, कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है, अब ये जो सॉल्यूशन है हमारा इसके अंदर क्या है दो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट हमारा ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। ए जो कंपोनेंट है वो क्या है सॉल्यूट है ना, कुछ भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो माने इसको कोई दिक्कत नहीं हमें, तो ये सॉल्यूट है हमारा और सॉल्यूट है तो कैसा है ये नॉन वोलाटाइल है, एन भी नॉन वोलाटाइल, ठीक है, और ये हमारा जो सॉल्वेंट है यहाँ पे
सॉल्वेंट है, ये क्या है, ये वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल है, ठीक ना, वोलाटाइल है। तो यहाँ गौर करके देखें आप, यहाँ पे ठीक उसी तरीके से राउल्ट्स लॉ को हम लगाएं जैसे पहले हमने बात किया था आपसे। तो पी जो होगा, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, ये तो नॉन वोलाटाइल है, तो क्या होगा बताओ आप, पी डैश ऑफ एक्स ऑफ ए, एक्स ऑफ ए और इंटू पी नॉट ऑफ ए। तो ज़रा गौर करें, ये तो ठीक है मोल फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मोल फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। कभी कभी हम इस बात को भूल जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान रखेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम क्वेश्चन के अंदर लेंगे, लेकिन पार्शियल पी नॉट ऑफ ए क्या होगा इसका, जीरो। तो जीरो मल्टीप्लिकेशन जीरो मीन्स ये नहीं, कोई वेपर प्रेशर नहीं मिल रहा है, किसकी वजह से, जो हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, तो उसके जरिए कोई वेपर प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो पार्शियल प्रेशर, कोई वेपर नहीं बन रहा है, तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, नहीं मिल रहा है। और पी डैश ऑफ बी की बात किया जाए, सॉल्वेंट की बात किया जाए, तो ये एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी, तो ये हमारा यहाँ से मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ की बात करें, या फिर इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करें, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बच्चे एस, जो मोल फ्रैक्शन है उसके लिए लिख रहे हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। तो देखिए हमारे पास जो पी डैश ऑफ बी का फार्मूला आया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का फार्मूला आया है, उसमें जो हमारा सॉल्यूट कंपोनेंट था, जो सॉल्यूट कंपोनेंट था, जो सॉलिड था, उसमें तो हमें पार्शियल प्रेशर नहीं दिया, लेकिन उसके मोल को हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन के अंदर जो, जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूट आपको क्या दे देगा, वो आपको यूरिया दे देगा, वो आपको ग्लूकोज दे देगा, वो आपको फ्रुक्टोज दे देगा, वो आपको सुक्रोज दे देगा, है ना, सुक्रोज वो दे देगा, वो शुगर दे देगा, है ना, जो भी दे दे वो, तो ये सब जो देगा, तो ये सब का हम पार्शियल प्रेशर में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसके मोल को हम मोल फ्रैक्शन में यूज़ करेंगे, है ना। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गलती होती है एग्ज़ाम में अक्सर, है ना। तो जहाँ पे भी हम स्टार लगाते हैं वहाँ आप गलत करेंगे, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेंगे कि यहाँ गलती हो सकती है हमसे, यहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, बेटा इसको समझ गए चीज़ों को। तो यहाँ फिर डाल्टन्स लॉ की बात करें, तो डाल्टन्स लॉ तो कुछ नहीं, वही सम है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, तो यहाँ पे डाल्टन्स लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी टोटल की बात किया जाए, तो एक कंपोनेंट के जरिए जो हमारा यहाँ मिलने वाला है वेपर प्रेशर, तो मिल नहीं रहा, ये तो जीरो है। तो हमें पी टोटल बराबर भी क्या हो गया, बस वही हो गया, क्या चीज़, एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी, है ना। थोड़ा और बढ़ें आगे, तो फिर से वापस से आप लिख सकते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी, तो हमारा अभी भी यही है। तो फिर यहाँ से एक स्टेटमेंट बनता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखा जाए, तो ये तो कांस्टेंट होगा, तो मोल फ्रैक्शन अभी भी किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर के, या यूँ कहें कि पार्शियल प्रेशर के, यूँ कहें कि पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस बात को इसको मिटाते हैं ना। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आप छोटा सा, इससे आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं क्या है? हाँ करो। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से जो टोटल प्रेशर है उसके अंदर, इससे पहले वाले में देखा, क्या देखा हमने, कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था उसका हमने मोल फ्रैक्शन में उसके मोल को यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ इसके स्टेटमेंट बना सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना। ओवरऑल हम एक लाइन में इसको फिर से क्लियर करें कि सॉलिड लिक्विड सिस्टम में एक सॉलिड होगा जो सॉल्यूट है हमारा, और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होगा। सॉलिड की वजह से, सॉलिड चूँकि नॉन वोलेटाइल होता है, तो इसके लिए हमें वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा, वो जीरो वैल्यू लेंगे, लेकिन इसके मोल को हम कंसीडर करेंगे, इसके मोल को कंसीडर करेंगे, ये बार बार हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, और इसकी वजह से हमें वेपर प्रेशर मिलेगा, क्योंकि ये वोलेटाइल है, ठीक है, ओके, क्लियर है बात। चलो इसको लिखो, नोट डाउन करिए, आप मिटाते हैं, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं कि क्या रिलेशन है डाल्टन्स लॉ में और राउल्ट्स लॉ में,
ठीक ना, हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस बात को। चलो तो आगे बढ़े हम। रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में क्या रिलेशन है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट की बात करें, इसका वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट की बात करें, तो क्या होता है ना, ये होता है एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, इसको हम पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं, वो एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट है। इस तरीके से हम बात करें पी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ किसके लिए, ए कंपोनेंट के लिए, तो ये एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी, ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन फेज, है ना, वेयर एक्स ए एंड एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन। क्या है यहाँ पे, ये मोल फ्रैक्शन है। क्लियर है बात? मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन के अंदर है, यदि हम यहाँ पे अब यहाँ जो वेपर बना हुआ है, सब में जो वेपर बना हुआ है, तो ये ए है और साथ में बी है, दो कंपोनेंट है, तो सॉल्यूशन फेज के अंदर हमारा क्या होगा, इसके ए की वजह से जो प्रेशर, एक कंपोनेंट के वजह से जो प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर, तो एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और दूसरा जो बी कंपोनेंट है उसके जरिए जो वेपर प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर, एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्यूशन के अंदर। अब हम यदि इस वेपर के अंदर हम इसको ये यूज़ करें, इसका मोल फ्रैक्शन को, है ना, तो यहाँ जो इस वेपर है, ये तो वेपर है ना, ये क्या है, वेपर है, तो इस वेपर के अंदर यदि हम मोल फ्रैक्शन को कंसीडर कर लें, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या होगा और वेपर प्रेशर के अंदर, वेपर फेज के अंदर, वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेगा। जेई में क्वेश्चन, आईआईटी में आया था ऐसा क्वेश्चन, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके हम समझते हैं बातों को। तो इसमें मान लेते हैं कि एक्स ए यहाँ पर था, यहाँ पर था एक्स ए, है ना, सॉल्यूशन फेज के अंदर क्या था, इधर लिखा है ना, इधर एक्स ए एक्स बी, यहाँ पे था एक्स ए और एक्स बी, ठीक ना, मोल फ्रैक्शन, और जो वेपर फेज में है उसको हम मान लेते हैं वाई ए और वाई बी, ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं। लेट द वेपर प्रेशर ऑफ, या ऐसे नहीं, वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, लेट द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट इन द वेपर बी वाई ए एंड वाई बी। हमने क्या माना, वाई ए एंड वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका, ए और बी का, है ना, वाई ए एंड वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ए और बी का है, ठीक है, किस में, वेपर में, वेपर के अंदर, वेपर फेज में, जबकि इसी ए बी का सॉल्यूशन फेज में क्या मोल है, एक्स ए एंड एक्स बी, यहाँ पे राउल्ट्स लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ से आगे बढ़ें तो इसको हम सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ देखें कि सॉल्यूशन फेज के अंदर की बात कर रहे हैं, तो पी ए जो होगा हमारा पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज के अंदर ए कंपोनेंट के, तो यहाँ वाई लिख रहे हैं, वाई ए इंटू, अच्छा यहाँ पी नॉट लिखा था सॉल्यूशन के अंदर, एक अलग अलग फेज कर रहे थे, लेकिन मिक्सर में ज़रा गौर करिए, क्या मिक्सर जो वेपर का मिक्सर कंटेनर के अंदर बना हुआ है ना, कंटेनर के अंदर जो मिक्सर है वेपर का, क्या उसमें आप वहाँ पर वेपर प्रेशर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसका अलग है, किसका, ए का कितना लग रहा है, बी का कितना, नहीं कर सकते। कभी भी जो हमारा कंटेनर के अंदर जो वेपर प्रेशर मिक्सर है, पूरा वेपर प्रेशर का मिक्सर है ना, अलग अलग जो पार्शियल प्रेशर को मिक्सर बना के वेपर प्रेशर बना है, तो क्या उस
पूरे वेपर के अंदर क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ए की वजह से कितना, बी की वजह से नहीं कर सकते। इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी नॉट प्योर तो है नहीं, ये तो प्योर है नहीं, ये तो टोटल की बात हो रही है ना। वेपर के अंदर यहाँ तो प्योर था, ए अलग था बी था, ठीक है मिलाया आपने उससे पहले, लेकिन इस वेपर के अंदर क्या हो रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो क्या लिखेंगे, वाई ए मीन्स वेपर प्रेशर, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। फिर यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मानते हैं, और यहाँ पे पी बी की बात किया जाए तो वाई बी इंटू पी टोटल, पी टोटल ये इक्वेशन नंबर फोर, ठीक ना। नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, इधर मिटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को देखिए, ए का ये भी, ए का ये भी है, इसीलिए हम दोनों को बराबर करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिलता है हमें, पी ए बराबर और पी ए बराबर, दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे गौर करिए, पी ए और पी बी दोनों बराबर है, तो क्या इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x, लिख सकते हैं y ऑफ a इंटू पी टोटल इज इक्वल टू x ऑफ a इंटू पी नॉट a, x ऑफ a इंटू पी नॉट ऑफ a। तो क्या यहाँ से, यहाँ जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन वेपर फेज है वो किसके बराबर होगा, x ऑफ a इंटू पी नॉट ऑफ a बटे पी टोटल के, है ना, वाई एक फेज की वजह से। क्या इसको आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, डैश देना ना देना कोई बात नहीं, ए का मतलब ही हो गया, एक कंपोनेंट का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर, एक कंपोनेंट के जरिए यदि जो इतना प्रेशर लग रहा है वेपर प्रेशर वो क्या हो पार्शियल प्रेशर, यहाँ नहीं भी दिए तो इसका मतलब ये पार्शियल प्रेशर है, ठीक ना। ऐसा मत समझना कि ये सर यहाँ पर तो डैश आपने क्यों नहीं दिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इंटू पी टोटल ए वाई ऑफ ए के लिए, ये हमारा इक्वेशन है यहाँ पे आ गया। चलिए अब इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ से आते हैं, इक्वेशन हम सेकेंड और फोर्थ से आते हैं, तो सिमिलरली ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक ना, आपकी कॉपी में तो लिखा होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ वी हैव, क्या है हमारे पास, y of b इंटू वाई ऑफ बी इंटू पी टोटल था, याद कीजिए इक्वल टू क्या था, x ऑफ b इंटू पी नॉट ऑफ b। यहाँ से लिख सकते हैं y b मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ b इन वेपर फेज इज इक्वल टू x ऑफ b इंटू पी नॉट ऑफ b बचे p टोटल, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें निकल के, या फिर इसको ऐसे करें, एक लाइन और लिख लें, वाई बी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, पी डैश ऑफ बी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाय पी टोटल। तो यहाँ से हमारे पास एक और फार्मूला मिल गया, किसके लिए, बी के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, अलग अलग हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन करना ज़रूरी है, एक जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को डील कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, मिटाएं इसको, समझ में आ रही है चीज़ें। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले एक करके हम आपको बताते हैं क्वेश्चन, है ना, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे तो आप घबराना नहीं, उसको सॉल्व हम ही खुद करेंगे हम। चलो बाबू एक क्वेश्चन लेते हैं, एक जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम उसकी बात करें। क्वेश्चन है हमारे पास, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनल, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनल इथेनॉल
मतलब इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल एंड मिथेनॉल। मीन्स CH3OH, इथेनॉल और मिथेनॉल का वेपरेशर है R, 44.5 मिलीमीटर ऑफ एच जी एंड 88.7 mm ऑफ एच जी, ये इसने व्यापर वैसे दे रखा है रेस्पेक्टिवली क्रमशः रेस्पेक्टिवली। एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म एट सेम टेम्परेचर एट सेम टेम्परेचर बाय मिक्सिंग ऑफ 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स डाल्टन्स लॉ एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH मतलब इथेनॉल एंड CH3OH मिथेनॉल इन द वेपर फेज ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए क्योंकि जगह कम है, मिटाना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन हो गया नोट। नोट कर लिया क्वेश्चन, चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर दिया, सॉल्यूशन करने से पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल C2H5OH एंड मिथेनॉल CH3OH आर इतना दिया। तो गिवन क्या है यहाँ पर, पी नॉट। अच्छा देखिए, यहाँ पर प्योर नहीं लिखा उसने, लेकिन हमने पी नॉट लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये एक कंपोनेंट की बात कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि ये वेपर प्रेशर किसका है, प्योर स्टेट का है। ठीक ना, एक कंपोनेंट की बात करें तो ये प्योर ही होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, C2H5OH ही है सिर्फ। तो कितना है वो, 44.5 mm ऑफ एच जी ये दिया। फिर क्या दिया उसने, पी नॉट ऑफ CH3OH दिया उसने 88.7 mm ऑफ एच जी। अब उसने वेट आगे दे रखा है, 60 ग्राम क्या है इथेनॉल का और 40 ग्राम क्या है मिथेनॉल का। W ऑफ C2H5 कितना है OH, ये दिया उसने 60 ग्राम है। और W ऑफ वेट ऑफ CH3OH कितना दे रखा है उसने, 40 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, मॉलिकुलर मास ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12, दो कार्बन है 2 प्लस एक हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 46। मॉलिकुलर मास ऑफ CH3OH की बात करें कितना होगा, एक कार्बन का 12 प्लस तीन हाइड्रोजन है, 3 प्लस एक ऑक्सीजन प्लस 1 कितना हो गया, 32। तो ये हमें मिल गया क्या चीज़, मॉलिकुलर मास। आगे इसको मिटाएंगे, आगे करिए नोट डाउन, कर लिया आपने। ठीक, मेरा क्वेश्चन मिटा देते हैं ना।
बाकी सब तो लिख ही लिया। और हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनल एंड वेप लिक्विड एंड वेपर फेज, दोनों में दोनों का मोल फ्रैक्शन, ठीक ना। हमें जो यहाँ कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है एक्स ऑफ C2H5OH, एक्स ऑफ CH3OH, वाई ऑफ C2H5OH, यहाँ से हमें मिल जाएगा है ना मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन करना है वेपर फेज में, टोटल टोटल करना है ना, वो क्वेश्चन के अंदर टोटल था, पी टोटल करना था, और वाई ऑफ C2H5OH एंड वाई ऑफ CH3OH ये कैलकुलेट करना है, ये दोनों हमें कैलकुलेट करना है, इतना कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, राउल्ट्स लगाना पड़ेगा, और राउल्ट्स लॉ में क्या आता है, एक टर्म आता है मोल फ्रैक्शन का, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल ले, निकाल लेते हैं। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो हमें इसके लिए मोल चाहिए, मोल तो हमने कैलकुलेट नहीं किया है ना, तो चलिए यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले मोल ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ मोल ऑफ C2H5OH क्या होता है, वेट इन ग्राम है ना, वेट ऑफ जो दिया हुआ है इथेनल का जो 60 दिया हुआ है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 60 बटे मॉलिक्यूलर मास कितना है 46, 60 बटे 46 कितना हुआ 1.3। अब मोल ऑफ हम बात करें CH3OH का, तो फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, WG किसका, मिथेनल के लिए, और मॉलिक्यूलर मास किसका, मिथेनल का, ये कितना है, ये 40 बटे 32 मीन्स 85 जो 84 जो 5 बाई 4 1.25, ठीक है, ये मिल गया। अब हम मोल फ्रैक्शन पे आते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इसका मतलब किसका, मोल ऑफ C2H5OH अब बटे मोल ऑफ C2H5OH प्लस मोल ऑफ CH3OH मिथेनल इथेनल का मोल, तो इसका मोल कितना है 1.3 बटे 1.3 प्लस 1.25, तो यहाँ पे यदि मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 1.510 ये वैल्यू आएगा है ना। अब सॉल्व करके देखना, x ऑफ CH3OH की बात करें तो यहाँ क्या होगा, मोल ऑफ CH3OH ऊपर में लिखेंगे, टोटल मोल नीचे में लिखेंगे, C2H5OH और साथ में मोल ऑफ CH3OH, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं या वन माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, वन माइनस भी करके आप इतना को वन में से माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.3 प्लस 1.25, ये जो वैल्यू होगा 0.489 के आसपास आएगा, 0.489 के आसपास ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया, इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर के लिए हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, C2H5OH का, राउल्ट्स लॉ के अनुसार क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H5 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH और साथ में इसी का प्योर स्टेट में क्या लीजिए आप, वेपर प्रेशर लीजिए। तो ये अभी वैल्यू आ चुका है मेरे पास, कितना आया 0.510, और इसका दे रखा उसने कितना वैल्यू दे रखा था याद है आपको, 44.5, ये जो वैल्यू आपके सामने में आएगा वो आएगा 22.73 mm ऑफ एच, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इतना वैल्यू आएगा। सिमिलरली हम कैलकुलेट करें पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH के लिए, ठीक है, तो इसका भी फार्मूला क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इंटू प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ CH3OH, तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू है 0.489 इंटू 88.7, ये जो वैल्यू है 0.489 और इंटू 88.7 ये जो वैल्यू है इसका हम यदि कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगा 43.40, ये हमें दोनों मिलीमीटर ऑफ एच जी
तो ये दोनों हमें पार्शियल प्रेशर मिल गया। अब टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे डाल्टन्स लॉ से, तो हमें मिल जाएगा टोटल प्रेशर। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को ज़रा गौर करें, मतलब इक्वल टू पी टोटल, पी टोटल इज इक्वल टू पी डैश ऑफ सी टू एस फाइव ओ एच प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनल, इथेनल और मिथेनल का पार्शियल प्रेशर जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आया 22.73 प्लस वो वैल्यू कितना है 43.40 मींस 66.13 मिलीमीटर ऑफ एजी। ये हमें टोटल प्रेशर मिल गया, यहाँ से हमें टोटल प्रेशर मिल गया, ठीक ना। चलिए इसको मिटाते हैं, तो एक जो हमें निकालना था वो मिल गया हमें टोटल प्रेशर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेपर फेज में मिथेनल और इथेनल का मोल फ्रैक्शन, दूसरा पार्ट दो क्वेश्चन था इसके अंदर, तो एक का आंसर यही हो गया हमारे पास, ये एक पार्ट का आंसर आ गया यहाँ से, ये आंसर है हमारा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या था, वाई ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच, आपको याद है क्या लिखा था हमने यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर पी टोटल। अभी थोड़ी देर पहले हमने पी टू लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, इसका वैल्यू कितना आया था 22.73 और टोटल कितना आया 66.13, इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 0.343 है ना, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब डिवाइड करना घर पे बैठ के, इतना ही वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें वाई ऑफ सी एस थ्री ओ एच, ये क्या मिलेगा हमें, पार्शियल प्रेशर किसका, मिथेनल का सी एस थ्री ओ एच का, और साथ में क्या पी टोटल, यस पी टोटल आएगा, तो कितना होगा, अभी ये वैल्यू आ चुका है हमारे पास 43.40 बट्टे 66.13, या आप वन में से भी इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.656, तो ये दूसरा आंसर हमारा कौन हो गया, ये वाला, ठीक ना। तो ये भी एक आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और दूसरा पहला हमारा आंसर ये, दूसरा ये, दोनों आंसर वेपर फेज में, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए बातों को। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, घर से देते हैं करके लाने के, होमवर्क आप मीन्स खुद से करेंगे उस क्वेश्चन को, खुद से करेंगे, ठीक है। इसको समझ में कुछ इसी तरह का दिक्कत भी है, प्रॉब्लम भी है, ठीक है, मिटाएं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए देते हैं, उस क्वेश्चन को करना आप, है ना। चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि एट 80 डिग्री सेल्सियस, इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाएंगे, मतलब होमवर्क है आपका। ये क्वेश्चन है एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 520 mm ऑफ Sg एंड that of pure liquid B is 1000 mm of Sg, ये है दे दिया हमें। if mixture of solution ऑफ A एंड B boils at
बॉयल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द मोल फ्रैक्शन, देन द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन परसेंटेज ऑफ ए इज, ए में है ऑप्शन में है 52, बी में है 34, सी में है 48 और डी में है 50, है ना। मोल फ्रैक्शन का परसेंटेज मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे मोल फ्रैक्शन एक्स हमारा आया, मान लीजिए एक्स ऑफ ए आ रहा है 0.5, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में लिखने क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, है ना। तो मोल फ्रैक्शन को लिखना है 100 से मल्टीप्लाई करना है 50%, तो बस ये करना है ना, ऐसे करना है आपको। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है और ए निकल गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज मिल गया हमें। तो ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। घबराना नहीं, यहाँ बॉयल्स वगैरह लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक ना। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो सिंपली इसी को आप डायरेक्ट देख करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। इसको करके घर से आप अच्छे तरीके से लाएंगे, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम वापस से बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू।